हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय राणा ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पूरी जीवनी के बारे में। कृपया इस वीडियो पे अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तिरुतनी ग्राम तमिलनाडु। पिता सर्वपल्ली धीरस्वामी, माता श्वेताम्बा और पत्नी शिवा कुमार। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे 1962 to 1967 तक राष्ट्रपति थे। मद्रास के प्रेसिडेंट सी कॉलेज से अध्यापन का कार्य शुरू करने वाले राधाकृष्णन आगे चलकर मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए और फिर देश के कई विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य किया। 1939 से लेकर 1948 तक वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के कुलपति भी रहे। वे एक दर्शनशास्त्री, भारतीय संस्कृति के संवाहक और अष्टावन हिंदू विचारक थे। इस मशहूर शिक्षक के सम्मान में उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आरंभिक जीवन। बचपन से किताबें पढ़ने के शौकीन राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। साधारण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन का बचपन तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता था। वह शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि रखते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में हुई और आगे की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी हुई। स्कूल के दिनों में ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश कंठस्थ कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान दिया गया था। उन्होंने कम उम्र में ही अपने स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को पढ़ा तथा उनके विचारों को आत्मसम्मान भी किया। अपने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास ने भी उनकी विशेष योग्यता के कारण छात्रवृत्ति प्रदान की। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1916 में दर्शन शास्त्र में MA किया और मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में इसी विषय के सहायक प्रधानाध्यापक का पद संभाले। डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम में पहले सर्वपल्ली का संबोधन उन्हें विरासत में मिला था। राधाकृष्णन के पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में वे तिरुतनी गांव में बस गए, लेकिन उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्म स्थल के गांव का बोध भी सदैव रहना चाहिए। इसी कारण सभी परिजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन का बाल्यकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में ही गुजारे। यद्यपि उनके पिता पुराने विचारों के थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थीं, इसके बावजूद उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 to 1900 के मध्य विद्या अध्ययन के लिए भेजा। फिर अगले 4 वर्ष 1900 से लेकर 1904 की उनकी शिक्षा वेलूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही मेघावी थे। उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही शादी संपन्न हो जाती थी और राधाकृष्णन भी उसके अपवाद नहीं रहे। 1903 में 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह दूर के रिश्ते की बहन शिवा कामो के साथ संपन्न हो गया। उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी।
अतः 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी ने उनके साथ रहना आरंभ किया। अद्यपि उनकी पत्नी शिवाकामो ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था। वह अंग्रेजी भाषा भी लिख पढ़ सकती थी। 1908 में राधाकृष्णन दंपति को संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई। 1908 में ही उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। शादी के 6 वर्ष बाद ही 1909 में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इनका विषय दर्शन शास्त्र ही रहा। उच्च अध्ययन के दौरान वह अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का भी काम करते रहे। अब जानते हैं हम लोग उनके राजनीति। भारत की आज़ादी के बाद यूनेस्को में उन्होंने देश की प्रतिनिधित्व किया। 1949 से लेकर 1952 तक राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। वर्ष 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। सन 1954 में उन्हें भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। जब वे राष्ट्रपति पद पर आसीन थे उस वक्त भारत का चीन और पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ। वे 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए और मद्रास जाकर बस गए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया था। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राधाकृष्णन को वर्ष 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1967 के गणतंत्र दिवस पर देश को संबोधित करते हुए उन्हें यह स्पष्ट किया था कि वह अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे और बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जी का निधन 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद हो गया। राधाकृष्णन के मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पलटन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने 1979 में उनकी जीवनी का प्रकाशन भी किया। उनके विद्यार्थी जीवन में कई बार उन्हें शिष्यवृत्ति स्वरूप पुरस्कार मिले। उन्होंने वुरहिस महाविद्यालय वेलोर जाना शुरू किया, लेकिन बाद में 17 साल की आयु में ही मद्रास क्रिश्चियन महाविद्यालय चले गए, जहां 1906 में वे स्नातक हुए और बाद में वहीं से उन्होंने दर्शन शास्त्र में अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की। उनकी इस उपलब्धि ने उनको उस महाविद्यालय का एक आदर्श विद्यार्थी बनाया। दर्शन शास्त्र में राधाकृष्णन अपनी इच्छा से नहीं गए थे, उन्हें अचानक ही उसमें प्रवेश लेना पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण जब उनके एक भाई ने उसी महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी की, तभी मजबूरन राधाकृष्णन को आगे उसी के दर्शन शास्त्र की किताब लेकर आगे पढ़ना पड़ा। अब जानेंगे हम लोग पुरस्कार के बारे में। 1938 ईस्वी में ब्रिटिश एकेडमी की सभासद के रूप में नियुक्ति किया गया। 1954 ईस्वी में नागरिकत्व के सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। 1954 ईस्वी में जर्मन के कला और विज्ञान के रूप के विशेषज्ञ रहे। 1961 में जर्मन बुक ट्रेंड का शांति पुरस्कार से नवाजा गया। 1962 में भारतीय शिक्षक दिन संस्था हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिन के रूप में मनाती है। 1963 ईस्वी में ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान मिला।
1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी द्वारा उनका सभासद बनने का सम्मान, ये सम्मान पाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। 1975 ईस्वी में टेम्पलेटन पुरस्कार अपने जीवन में लोगों को सुशिक्षित बनाने, उनकी सोच बदलने और लोगों को एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाने और एकता बनाए रखने के लिए दिया गया, जो उन्होंने उनकी मृत्यु के कुछ महीने पहले ही टेम्पलेटन पुरस्कार की पूरी राशि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को दान स्वरूप दी। 1989 ईस्वी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा राधाकृष्णन की याद में डॉक्टर राधाकृष्णन शिष्यवृत्ति संस्था की स्थापना हुआ। डॉक्टर राधाकृष्णन ने वेदों और उपनिषदों का ग्रहण अध्ययन किया और भारतीय दर्शन से विश्व को परिचित कराया। वे सावरकर और विवेकानंद के आदर्शों से प्रभावित थे। बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर राधाकृष्णन को देश की संस्कृति से प्यार था। शिक्षक के रूप में वे उनकी प्रतिभा, योग्यता और विशेष विद्वता से प्रेरित होकर ही उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया। वे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के उपकुलपति भी रहे हैं। भारत की आज़ादी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत बने। 1952 तक वे रूस में राजनयिक रहे। उसके बाद उनको भारत के उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। इनका कार्यकाल चुनौतियों भरा रहा। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध तथा दो प्रधानमंत्रियों का निधन इनके कार्यकाल में ही हुए। डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरा कार्यकाल नेताओं के आग्रह के बाद भी अस्वीकार कर दिया। सन 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने शिक्षक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद अध्यापन कार्य करते हुए ये कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, रूस में भारत के राजदूत और 10 वर्ष तक भारत के उपराष्ट्रपति और अंत में सन 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इस प्रकार इन्होंने देश की अनेक सेवाएं की, परंतु सर्वोपरि वे एक शिक्षक के रूप में रहे। काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने से गवर्नर ने इसे अस्पताल बना देने की धमकी दी थी। राधाकृष्णन ने दिल्ली जाकर वायसराय को प्रभावित कर समस्या हल की। गवर्नर द्वारा आर्थिक सहायता रोकने पर उन्होंने धन जुटाकर विश्वविद्यालय चलाया। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सन 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1904 में इन्हें मॉस्को में भारत का राजदूत चुना गया। मॉस्को में भारत के प्रतिष्ठा इन्हीं की देन है। सन 1955 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सदन की कार्यवाही का इन्होंने एक नया आयाम प्रस्तुत किया। सन 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। इन्होंने मतभेदों के बीच समन्वय का रास्ता ढूंढने की बात सिखाई। सर्वांगीण प्रगति के लिए इन्होंने बताया कि आज हमें अमेरिका या रूस के तरीके से नहीं बल्कि मानववादी तरीके से जरूरत है। सन 1967 में राष्ट्रपति पद से मुक्त होने पर देशवासियों का सुझाव दिया कि हिंसापूर्ण अव्यवस्था के बिना भी परिवर्तन लाया जा सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पटु वक्ता थे। इनके व्याख्यानों से पूरी दुनिया के लोग प्रभावित थे। वे राष्ट्रपति पद से मुक्त होकर मई सन 1967 में चेन्नई मद्रास स्थित घर के माहौल में चले गए और अंतिम 8 वर्ष अच्छी तरह व्यतीत किए। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्षों शिक्षक के रूप में व्यतीत किया। उन्हें आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया गया जाता है। उनका जन्मदिन 5 सितंबर
भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। 17 अप्रैल 1975 को लंबी बीमारी के बाद इस महापुरुष का निधन हो गया। अब आइए जानते हैं इनकी पुस्तकें के बारे में। द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलोसॉफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माय सर्च फॉर ट्रुथ, द रेन ऑफ कंटेम्प्रेरी फिलोसॉफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलोसॉफी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी, इनके महत्वपूर्ण बुक हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई YouTube चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।